यहीं से रूपा जी बात करें अगर ग्वार कॉम्प्लेक्स की, तो देख रहे हैं कि ग्वार गम का सितंबर वायदा आज भी 10,000 के ऊपर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि 3.5% की गिरावट है। और बात करें ग्वार सीड की, तो ग्वार सीड का भी सितंबर वायदा 5% की गिरावट के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। रूपा जी देख रहे हैं कि आखिरी कारोबारी दिन जिस हिसाब से ऊपरी सर्किट लगते हुए नजर आए थे, आज सप्ताह के पहले कारोबारी दिन उसी हिसाब से निचले सर्किट भी देखने को मिल रहे हैं ग्वार कॉम्प्लेक्स के अंदर। तो रूपा जी अब आपको यहाँ से क्या लगता है, यहाँ से अभी बाजार और ज्यादा गिरावट में गहराएगा या फिर कुछ संभलता हुआ नजर आएगा? देखिए जहां तक ग्वार की बात है, ग्वार के अंदर अखिलेश मैंने पहले भी बताया था कि फंडामेंटली कोई बहुत ज्यादा अप ट्रेंड मोमेंटम नहीं है, लेकिन ट्रेंड पॉजिटिव है क्योंकि खरीदारी देखने को मिल रही है इन लेवल्स के ऊपर, तो इस वजह से डिमांड हाई हुई है तो ये तेजी की तरफ जाता हुआ दिखाई दिया है। लेकिन अभी जो बाजार में गिरावट है, इसे महज आप एक प्रॉफिट बुकिंग कह के चल सकते हैं कि 4% मार्केट लुढ़का है, तो अभी फिलहाल मुझे बहुत ज्यादा अभी फिलहाल गिरावट दिखाई नहीं देती। थोड़ा बहुत मार्केट लुढ़क सकता है क्योंकि एक अच्छी खासी तेजी हमने पिछले हफ्ते आते हुए देखी थी, तो ये हफ्ते की शुरुआत गिरावट के साथ, और हो सकता है 1-2 ट्रेडिंग सेशन में आपको गिरावट देखने को मिले। जैसे पहले भी हमने देखा था कि ग्वार जो है 10,000 के ऊपर गई थी, फिर लुढ़की, वहां से फिर से बाइंग आई और फिर वापिस से नया हाई लगाया इसने, तो सेम एज इट इज अभी यही ट्रेंड दिखाई दे रहा है कि अभी थोड़ा नीचे जा सकता है, 10,000 से नीचे लुढ़क सकता है। अक्टूबर वायदा तो 9800 के आसपास जो है वो एक बार फिर से बाउंस बैक एक्सपेक्टेड है कि आएगा, जो वापिस से इसको 11,000-12,000 तक ले जा सकता है। तो ट्रेंड है, पॉजिटिव है, डिप के अंदर बाइंग की ही रणनीति होनी चाहिए। सेम एज इट इज सीट के अंदर भी 6500 तक हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अक्टूबर वायदा एक बार ऊपर में जा सकता है। आज जरूर 6% गिरा है क्योंकि पिछले हफ्ते हमने 6600 के ऊपर इसको जाते हुए देख लिया था, लेकिन अभी इस हफ्ते की जो रेंज बनती हुई दिखाई दे रही है 6000 से लेकर 6500 तक के बीच में, ये वाला हफ्ता इसके अंदर मुझे लगता है कि कारोबार होता हुआ दिखाई दे सकता है। जी,